बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप सबके सब बड़े होंगे और बड़े रहना। सो गाइस, अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है सुबह के बज रहे हैं 7:30। जस्ट 5 से 10 मिनट पहले उठ के फ्रेश वगैरह होके आया हूँ। और बाकी आज का सीन ये है कि आज जा रहा हूँ मैं वापस पटना, और अभी जो है 10 बजे की मेरी ट्रेन है जहानाबाद से पटना के लिए। अभी टाइम हो रहा है 7:30, 8 बजे तक यहाँ से निकलेंगे जहानाबाद के लिए। बाकी पीछे का हाल देखो, 7:30 बज रहे हैं और क्या हाल है, कोहरा देख रहे हो कितना ज़्यादा है। मतलब चारों तरफ दिखाऊं, लो चारों तरफ देख लो, ऐसा कोहरा है मतलब कुछ भी दिख नहीं रहा। परसों को बताया था मैंने रात का सीन कि रात में नहीं दिख पा रहा था, और अभी सेम यही हाल है। मतलब यहाँ से बंदा 5 से 10 मीटर के आगे देख ही नहीं पाए, ये हाल है। बाकी अभी जो है चलते हैं अंदर, और बैग वैग तो सब रेडी है, बस 15 मिनट में अब निकल जाना है क्योंकि 8 बजे यहाँ से ऑटो पकड़नी है। सो गाइज, मैं जो हूँ निकल चुका हूँ घर से, और ऊपर एक और जैकेट डाल ली है क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है बाहर। आवाज़ बैठ गई है मेरी, ठीक है, और एक और जैकेट ऊपर से डाल ली, बैग में रखी हुई थी। मैं अगर नहीं कोई वो नहीं ले सकते, कोई रिस्क नहीं ले सकते, अब निकल जाओ ऊपर, मतलब अच्छा खासा पहन के निकलो, वरना देख रहे हो कैसी हालत हुई हुई है यहाँ की। और वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ है घर, और वहाँ पे मम्मी वगैरह सब खड़ी हुई है, लेकिन कोई भी नहीं दिख पाएगा अभी आपको क्योंकि इतना ज़्यादा कोहरा हुआ है। बाकी अब जो है टाइम टू गो बैक। सो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि अभी घर से तो निकल चुके हैं, और अब जा रहा हूँ मैं मोतीपुर बांध पे, वहाँ से करूँगा ऑटो, फिर वहाँ से ऑटो ले जाएगी मुझे किंजर तक, फिर वहाँ से एक और ऑटो होगी जो जाएगी जहानाबाद रेलवे स्टेशन पे, और फिर वहाँ से डायरेक्ट पटना। तो अभी जो है घर से निकल चुके हैं, ये देख सकते हो पूरे रास्ते का कुछ ये हाल है। खेतों के बीच में चल रहे हैं सुबह सुबह ठंड में 7:30 बजे, और नाक जाम है, गले से आवाज़ नहीं निकल रही, और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि क्या ही बताऊँ, अलग ही एक्सपीरियंस है ये भी। बाकी कोहरा तो आप देख ही सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है, ऐसा लग रहा है शिमला की वादियों में, शिमला भी छोड़ो मनाली में आया हूँ, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे। मतलब अंदर इनर पहन रखा है मैंने, उसके ऊपर टी शर्ट है, फिर ये वाली जैकेट है, ठीक है, और फिर ये है। तो और ये नहीं कि ये वाली जैकेट मतलब पतली वतली है, बिल्कुल अच्छी खासी गर्म जैकेट है, ऊपर से ये डाल ली। मैंने कहा नहीं भाई, रिस्क नहीं लेने का बिल्कुल भी, वैसे ही गला जाम हुआ है, पता चला बिल्कुल ही हालत बुरी हो जाए वहाँ पहुँचने के बाद। तो अभी जो है देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ ये पतला रास्ता फॉलो करते हुए मोतीपुर बांध पहुँच जाओ, और काफ़ी मज़ा आ रहा है, और स्टे ट्यून्ड, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। रहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। तो गाइज, रीच टू दी किंजर, और सीन कुछ ऐसा है कि अभी ऑटो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे जहानाबाद जाने के लिए। बाकी ये जा रही है सवारी के हिसाब से, तो इसमें जा रहा हूँ मैं, और अभी जो है सवारी का ये लोग वेट कर रहे हैं। बाकी इसमें चल के हम लोग चलेंगे रेलवे स्टेशन, और वहाँ से ट्रेन पकड़ के डायरेक्ट पटना। सो गाइज, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं जो हूँ पहुँच चुका हूँ जहानाबाद स्टेशन, और अभी टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 9:25। टिकट जो है मैंने ले लिया आते के साथ सबसे पहले, और अभी जो है ट्रेन की बात करें तो एक ट्रेन जो है वो है 10:15 पे, और एक ट्रेन जो है वो लोग कह रहे हैं कि 9:45 पे है। तो देखते हैं, पता करते हैं, जो सबसे पहले ट्रेन होगी उसमें चले जाएंगे। बाकी एक ट्रेन में सामने आ तो रही है, बाकी पता नहीं, पूछते हैं पहले वो कहाँ जा रही है, फिर चलते हैं। सो गाइस, सीन कुछ ऐसा है, प्लेटफॉर्म पे तो है मैं पहुँच चुका हूँ, और बस ट्रेन का वेट हो रहा है, 10 से 15 मिनट में ट्रेन आती है, उसके बाद निकलते हैं।
सो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो ट्रेन जो है आ चुकी है और बस जल्दी से बैठते हैं। बाकी मैं नीचे इसलिए आ गया क्योंकि जल्दी ऊपर जाना होगा क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा रहेगी इस ट्रेन में कि सीट लेने की भी जगह नहीं मिलेगी, तो इसलिए इस साइड आ गया कि जल्दी से ऊपर चढ़ जाऊंगा। बाकी प्लेटफॉर्म पे तो बहुत ज्यादा भीड़ होगी, इस वजह से नीचे उतर जाते हैं बहुत सारे लोग, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए 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 हम ना आए, ऐसी जी छिप छिपाए, ऐसी जी हम ना पाए, ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए 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 हम ना आए, ऐसी जी हम ना पाए। सो गाइस रीच टू दी पटना जंक्शन और एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचा दिया, 9:45 पे वहां से चली थी ये ट्रेन और हम लोग यहाँ पे 11:07 हो रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, 5-6 मिनट लेट है, कोई नहीं। बाकी अब चलते हैं बाहर और लेते हैं रिक्शा वगैरह, फिर चलते हैं डायरेक्ट घर। ऐसी जी ना छिप छिपाए, ना छिप छिपाए, ना छिप छिपाए, ऐसी जी ना छिप छिपाए, ना छिप छिपाए, ना छिप छिपाए। सो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि मैं जो है आ चुका हूँ घर और इतना ज्यादा थका हुआ था कि मुझे आ गई नींद, अभी जस्ट आधे घंटे पहले उठा हूँ, फ्रेश वगैरह हो गया और अब जो है बच्चे जिद कर रहे हैं कि हमें खेलना है क्रिकेट, तो हम जो है ऊपर जा रहे हैं छत पे क्रिकेट खेलने। फिर मत जाइएगा, हाथ पर सलामत। सो गाइस खुदा हाफिज, मैं जा रहा हूँ, वो देख सकते हो वहाँ पे बॉल है, वो लेने। तो भाई 8 बॉल आ चुकी हैं, अब कोई टेंशन नहीं है, पीछे का खिलाया है। अब देखो 8 बार आउट होऊंगा और दूंगा नहीं, यस यही तो मैं चाहता था। अब मारो जहां हवा में है, आपका थोड़ी ना है, सारी बॉल मैं लाया हूं और साफ करो पीछे से जल्दी। सो भाई सीन कुछ ऐसा है कि हम जो है आ चुके हैं नीचे, 2 बच्चों के जो है टीचर आ गए थे तो वो चले गए पढ़ने और शाम भी बहुत ज्यादा हो गई थी तो नीचे आ गए और बहुत ज्यादा मजा आया इनका, तो मतलब ऐसा हाल बना दिया था, रुला दिया था बेचारों को। और बॉल जो लास्ट सीन जो आपने देखा, बॉल जो वहां चली गई थी तो वो जो है सामने पहले से बहुत सारी बॉल बच्चों की गई हुई थी तो, और मैंने 1-2 शॉट ऐसे मार दिए कि 3-4 बॉल तो वहीं चली गई, तो सबको लेके आया और सब पहुंचाई भी पहले मैंने ही और लेके भी मैं ही आया। तो उसके बाद जो है मैं बैटरी फोन की ओवर हो गई तो कुछ ज्यादा शूट कर नहीं पाया, बाकी मतलब बॉलिंग ही करवा रहे थे, जब मेरी बैटिंग आ रही थी तो ऐसे रो रहे थे, रुला दिया था कभी। बैटिंग करने उतर रहा हूँ तो 120 रन मारे पहले बार में, उसके बाद दूसरे मैच में मारे कुछ रन, मतलब इनकी तो हालत बुरी कर दी थी और मतलब कह रहे थे भैया अब रहन दो, तो अब नीचे ही आ गए, शाम भी वैसे हो ही चुकी थी। तो इस वीडियो को जो है यहीं पे कर देते हैं एंड, बाकी सुबह जो है इतनी ज्यादा ठंड थी गांव में और यहाँ पे जो है इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है, मतलब गांव के हिसाब से तो गर्मी ही लग रही है, और क्योंकि पटना में इतनी ज्यादा ठंड है नहीं दिल्ली के हिसाब से भी, और गाँव में तो काफी मतलब ठंड थी,
मतलब सामने वाला तो इंसान, सामने वाले इंसान के कुछ भी नहीं दिख पा रहा था दो तीन मीटर तक भी। तो अब जो है इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो इफ यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन जिससे आपको पता चल जाएगा माय नेक्स्ट वीडियो गोज लाइव। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शबा केयर। और ये जो है गेट बंद करके मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और ये तब से बच्चे कटकट आ रहे हैं, मामा के दो तीनों छोटे बेटे तब से कटकट आ रहे हैं कि अंदर आने दो, हमें खेलने दो, इनके सारे खिलौने यहीं पे। मैंने कहा पहले वीडियो शूट होगी फिर तुम लोग आओगे, तो अब चलते हैं, बाय। क्या हुआ, अंदर आओगे? जाओ खेल लो। ये तब से बेचारे तड़प रहे थे अंदर आने के लिए।